राज्यसभा चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन के स्टैंड के बाद कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में बढ़ती दूरियां भी स्पष्ट रूप से देखी जा रही हैं। दरअसल झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रत्याशी दिए जाने से कांग्रेस में ये नाराजगी देखी जा रही है। इससे सत्तारूढ़ गठबंधन में खटास बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इस मसले पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का निजी फैसला बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा राज्यसभा के लिए प्रत्याशी देने के तत्काल बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के पक्ष को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जहां तक हमारी बात है, हम लोगों ने आलाकमान को सारी बातों से अवगत करा दिया है। हमारे प्रभारी को सारी बातें बताई गई हैं। वो चर्चा करेंगे, कहा कि वो आएंगे और उसके बाद बताएंगे कि हमारा स्टैंड क्या होगा। गठबंधन में उनकी संख्या के सवाल पर उन्होंने कहा, निश्चित रूप से जब कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन में बहुत सारी चीजें होती हैं, चर्चा होती है, तभी कोई निर्णय होता है। हम समझते हैं कि जब दिल्ली में बात हुई होगी और जो आज का निर्णय है, उन दोनों में विरोधाभास है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा राज्यसभा प्रत्याशी का एक तरफा ऐलान किए जाने के बाद कांग्रेस सकते में है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मंगलवार को यहाँ आएंगे। उनके आगमन का इंतजार पार्टी के नेताओं को है। सोमवार को उन्होंने नई दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ इस संबंध में मंत्रणा भी की है। संभव है कि पार्टी कोई कड़ा फैसला भी ले ले। विधायकों के रुख भी तल्ख बताए जा रहे हैं। दिल्ली में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पक्ष में कैंप कर रहे 8 विधायक वापस लौट आए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व के फैसले से उनके पुत्र जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को निर्णय करना होगा। दरअसल राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साहित्यकार महुआ माझी को प्रत्याशी बनाया है। हेमंत सोरेन ने सोमवार को इसकी विधिवत घोषणा की। महुआ माझी इसे आधी आबादी का सम्मान बता रही है। कहा है कि जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। महुआ मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगी। बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति आभार जताने के लिए शब्द नहीं है। पार्टी ने आधी आबादी को सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगी और दिल्ली में झारखंड की आवाज बनूंगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।